हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू वेलकम टू स्टडी विद सरब। और आज हम करेंगे ट्रू फॉल्स आइल्स रीडिंग के। ट्रू फॉल्स में बेसिकली हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। ट्रू का मतलब ऑल इन्फॉर्मेशन इज राइट, ऑल इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। फॉल्स का मतलब नॉट करेक्ट। लेकिन बहुत बार उसमें सिर्फ नॉट वर्ड नहीं होता, बहुत बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें नॉट वर्ड नहीं होता, लेकिन किसी नेम को कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है या फिर जो उसमें बात चल रही होती है उसमें कोई ऑब्जेक्ट है जो सेंटेंस में, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, मतलब उसकी जगह पे कुछ और यूज़ कर देते हैं। इंक्रीजिंग लिखा है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है, सफिशिएंट लिखा है तो इनसफिशिएंट, ऐसे कुछ करके। और जो नॉट गिवन है, नॉट गिवन में बात आती है कि उस चीज़ की बात ही नहीं हुई, नॉट टॉक्ड अबाउट। बट ऐसा नहीं होता कि उसकी बात ही नहीं होती, इसीलिए हम नॉट गिवन को बहुत बार ट्रू भी लगा देते हैं, फॉल्स भी लगा देते हैं। उसके जैसा सेंटेंस पड़ा होता है, उसके रिलेटेड उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं नॉट गिवन वाले सेंटेंस के, उस क्वेश्चन के कुछ कुछ कीवर्ड्स हमें पैराग्राफ में दिखाई देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद वो ट्रू है या फॉल्स है। हमें हमेशा ऐसा नहीं कह सकते कि वो नॉट गिवन है, उसकी तो बात ही नहीं हुई। बहुत रेयर ऐसा एक आधा क्वेश्चन आता है जिसकी बिल्कुल कोई जिक्र ही नहीं होता, जिसको आप ऐसे ही नॉट गिवन लगा सकते हो क्योंकि उस सेंटेंस का कहीं पे कोई लेन देन ही नहीं था। बट बहुत बारी 90% ऑफ द चांसेस ऐसे होते हैं कि उसमें उसके कीवर्ड्स यूज हो रहे होते हैं, बट उसका जो मीनिंग है और जो क्वेश्चन है उन दोनों का मीनिंग मैच नहीं हो रहा होता, उन दोनों की जो सेंस है वो अलग होती है और इसी वजह से वो नॉट गिवन आता है। तो वी विल डू द ट्रू फॉल्स इन नॉट गिवन, अभी हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू ट्रू फॉल्स इन नॉट गिवन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई पैगोडास डोंट फॉल। पैगोडास इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज इन जापान। सो हम इसके ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन कर रहे हैं। So these are the statements. Sorry, I haven't written the heading of this. So the first question is saying only two Japanese pagodas have collapsed in 1400 years. So what I do, I just split the question in two or three parts as per the phrases that are available in the question. So only two Japanese pagodas, only two, यहाँ पे स्लैश लगा लो, जापानीज पैगोडास यहाँ पे स्लैश लगा लो, हैव कोलैप्स्ड यहाँ पे स्लैश, कितने में, इन 1400 इयर्स, 1400 सालों में सिर्फ दो जापानीज पैगोडास कोलैप्स हुए हैं। सो लेट्स गो टू द लोकेशन। रिकॉर्ड्स शो दैट ओनली टू मिल गया, ओनली टू have collapsed during the past 1400 years. ये 1400 years भी मिल गया, तो यहाँ पर थोड़ी सी sense change हो रही है, मतलब same है but थोड़े थोड़े words change है। सिर्फ दो Japanese pagodas collapse करे, record show करते हैं कि सिर्फ दो collapse करे हैं during past 1400 years. अब आप सोचोगे यहाँ पर Japanese pagodas की बात नहीं हो रही है, so this whole paragraph is all about Japanese pagodas. So during the past 1400 years, यहाँ पे लिखा है इन 1400 years, सेंस दोनों की सेम है कि पिछले 1400 सालों में सिर्फ दो जापानीज पैगोडास गिरे हैं। सो अगर ये दो जापानीज पैगोडास गिरने की बात आ रही है तो दोनों जगह सेम बात है, सो आई गो विद द ट्रू, ये आंसर ट्रू होगा। कम टू सेकंड क्वेश्चन, द हैनशिन अर्थक्वेक, यहाँ पे कहाँ पे स्लैश आएगी, अर्थक्वेक के बाद, हैनशिन अर्थक्वेक ऑफ 1995 में, ये लोकेशन ढूंढने में हेल्प करेगा। डिस्ट्रॉयड, उसने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, कहाँ पे स्लैश लगाएंगे, 1995 के बाद, डिस्ट्रॉयड द पैगोडा यहाँ पे, एट द तोजी टेम्पल पे। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, द हैनशिन अर्थक्वेक, जो हैनशिन अर्थक्वेक आया था 1995 में, उसने डिस्ट्रॉय किया पैगोडा को जो तोजी टेम्पल पे था। सो अब इसका क्या आंसर होगा, लेट अस सी। दोज That have disappeared were destroyed in the fire. मुझे नहीं दिख रहा कहीं पे 1995, देखना मुझे, ये रहा 1995, तो मैं इससे पहले रीड करूंगी फर्स्ट लाइन से। The disastrous Hanshin earthquake in 1995 killed 6400 people
toppled elevated highways, flattened office blocks and devastated the port area of Qom. कहता 6400 लोग मारे गए, elevated highways थे जो वो टूट गए और flat कर दी buildings को और devastate किया port area को. Yet it left, फिर भी it left the magnificent 5-story pagoda at Toji Temple. क्वेश्चन पूछ रहा था कि तोजी टेंपल पे जो पैगोडा था 1995 के अर्थक्वेक ने उसे तोड़ दिया. ये कह रहा है 1995 के अर्थक्वेक ने सब कुछ तोड़ा, फिर भी जो मैग्निफिसेंट स्टोरे पैगोडा था, 5-story पैगोडा था तोजी टेंपल पे, वो नहीं टूटा. येट इट लेफ्ट, वो कह रहे तोड़ दिया, ये कह रहे लेफ्ट कर दिया. अपोजिट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो आंसर इज फॉल्स. थर्ड क्वेश्चन, द अदर बिल्डिंग्स नियर द तोजी पैगोडा, जो बाकी की बिल्डिंग्स थी तोजी पैगोडा पे, यहाँ पे किस पे स्लैश आएगा, द अदर बिल्डिंग्स यहाँ पे, नियर तोजी पैगोडा यहाँ पे, हैड बीन बिल्ड यहाँ पे, इन द लास्ट 30 years यहाँ पे. कहता बाकी बिल्डिंग्स तोजी पैगोडा के पास हैव बीन बिल्ड, वो बनाई गई इन द लास्ट 30 years, पिछले 30 सालों में तोजी पैगोडा के पास बाकी की बिल्डिंग्स बनाई गई. 30 years की बात कहाँ है, तोजी टेम्पल कहाँ है, सॉरी तोजी पैगोडा कहाँ है, आई कैंट सी, सो आई जस्ट लास्ट 30 years ये दिखा मुझे. यहाँ इससे पहले वाली लाइन से रीड कर लेते हैं. जापानीज स्कॉलर्स हैव बीन मिस्टिफाइड फॉर एजेस अबाउट व्हाई दीज टॉल सिलेंडर बिल्डिंग्स आर सो स्टेबल. इट वॉज ओनली 30 years अगो दैट द बिल्डिंग इंडस्ट्री फेल्ट confident enough to erect office blocks of steel and reinforced concrete that had more than a dozen floors with its special shock absorbers. नहीं, इसके आगे कुछ भी नहीं है. और उसके पीछे वाले में भी तोजी टेम्पल nearby Kyoto unsaged thought leveled number of buildings neighborhood, हाँ neighborhood की बात यहाँ पे है उसके आसपास की, तो ये भी पढ़ लेते हैं. Yet it left the magnificent 5-story pagoda at the Toji Temple in nearby Kyoto unscathed, though it leveled a number of buildings in the neighborhood. लेकिन buildings के बनने की बात नहीं आ रही है, buildings बनने की बात यहाँ पे है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि पिछले 30 सालों में तोजी पैगोडा के पास ये buildings बनी. ठीक है, यहाँ पे 30 years में उसने बोला कि अच्छी buildings, लंबे वाली ऊंची ऊंची buildings पिछले 30 सालों में ही बननी शुरू हुई है, और यहाँ पे वो कह रहा है तोजी टेम्पल के आस पास जो कुछ था वो सब कुछ बिखर गया, लेकिन सिर्फ एक पैगोडा बचा है. So it's not given. मुझे इसकी proper information कहीं पे नहीं मिल रही है. So I write it not given. So come to the fourth question. The builders of pagodas knew how to absorb. कहते जो builders हैं pagodas के knew, वो जानते थे. Builders of pagodas यहाँ पे slash लगा हो गया. Knew यहाँ knew क्या जानते थे? How to absorb यहाँ पे slash some of the power produced यहाँ पे by severe weather conditions. तो यहाँ पे the builders of pagodas के builders को पता था कि कैसे absorb करनी है power जो produce होती है severe weather conditions से, जो बुरी weather conditions है वो जो power produce करती है उसको कैसे absorb करना है, वो pagodas के builders को पता था. अगर pagodas के builders की बात सोचें तो वो बहुत जो पुराने वाले builders थे, मतलब उनको पता था कैसे उनकी जो power है उसको absorb करना है. So, यहां से हम देखो, यहां से आगे रीड करते हैं. विद इट्स स्पेशल शॉक एब्जॉर्बर्स टू डैम्पन द इफेक्ट ऑफ सडन साइडवेज मूवमेंट्स फ्रॉम एन अर्थक्वेक द 36 स्टोरे कासुमिगासेकी बिल्डिंग इन सेंट्रल टोक्यो जापान्स फर्स्ट स्काईस्क्रेपर वाज कंसीडर्ड अ मास्टरपीस ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग व्हेन इट वाज बिल्ट इन 1968. सो यहाँ पे है बट वो सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ. वी हैव टू अंडरस्टैंड, कहते स्पेशल शॉक एब्जॉर्बर लगाए गए हैं टू डैम्पन द इफेक्ट. डैम्पन मतलब कम करने के लिए, इफेक्ट किस चीज का, सडन साइडवेज मूवमेंट, जो आसपास मूवमेंट हो जाती है, सडन अचानक मूवमेंट हो जाती है, किसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से. हम सबको पता है कि जापान अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, सो अर्थक्वेक जल्दी आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत बड़े वाले अर्थक्वेक्स आते हैं. उन अर्थक्वेक से होने वाली जो मूवमेंट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए उन्होंने स्पेशल शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए हैं.
उसके बाद कमा दिया है द 36 स्टोरे बिल्डिंग है सेंट्रल टोक्यो में। सेंट्रल टोक्यो में एक बिल्डिंग है जो जापान की सबसे पहली स्काई स्क्रेपर है। सबसे पहली स्काई स्क्रेपर मतलब पैगोडाज ही उस टाइम पे इतने लंबे थे, तो ये सबसे पहला पैगोडा होगा। वाज कंसीडर्ड, उसको कंसीडर किया जाता है मास्टरपीस ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग। आज की जो इंजीनियरिंग है उसका मास्टरपीस कब बना? 1968 में बनने वाली बिल्डिंग को कहा जा रहा है कि वो मास्टरपीस है आज की इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो बेसिकली अगर वो अभी तक टिका हुआ है और अब तक वो शॉक को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है। बिल्डर्स ऑफ पैगोडास जिन्होंने इस मास्टरपीस को बनाया, न्यू हाउ टू एब्जॉर्ब, वो यहाँ पे लिखा है विद स्पेशल शॉक एब्जॉर्बर्स टू डैम्पन द इफेक्ट। शॉक एब्जॉर्बर्स यहाँ पे भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। पावर प्रोड्यूस्ड बाय स्वेयर वेदर कंडीशन की जगह इसने लिख दिया अर्थक्वेक। सो सारी इंफॉर्मेशन मैच कर रही है, सो वी वुड राइट द आंसर ट्रू। तो ये आंसर होगा ट्रू। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहे हैं क्वेश्चंस। कम टू द अनदर वन मोर पैसेज जिसमें हम अगेन ट्रू फॉल्स करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, वाटर यूज, इसको भी हम ब्रेक करेंगे। वाटर यूज पर पर्सन एक बंदे के हिसाब से जो वाटर का यूज है इज हायर मतलब सेकेंड डिग्री यूज करी गई है, ज्यादा से ज्यादा मतलब सेकेंड डिग्री। इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में ज्यादा यूज है देन इट वॉज इन एंशियंट रोम। अब देखिए वाटर यूज पर पर्सन यहाँ पे था, हायर को अलग रखा मैंने, इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड इसको अलग, देन इसके कंपेरेटिव बता रहा है इट वॉज इन एंशियंट रोम। तो एंशियंट रोम वाला हिस्सा एक साइड, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड एक साइड, हायर पर पर्सन। तो बेसिकली सेंस क्या कह रही है कि एक पर्सन जितना पानी यूज करता है वो आज जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है उसमें ज्यादा यूज कर रहा है एज कम्पेयर टू एंशियंट रोम। तो हमने देखना है कि क्या एंशियंट रोम में पानी ज्यादा यूज होता था या आज के वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में ज्यादा यूज हो रहा है। सो कम टू फर्स्ट पैसेज, एट द हाइट ऑफ द रोमन एम्पायर 9 मेजर सिस्टम्स विद एन इनोवेटिव लेआउट ऑफ पाइप्स एंड वेल बिल्ट सीवर्स सप्लाइड द ऑक्यूपेंट्स। तो रोमन एम्पायर की बात है, एंशियंट रोम की बात आ गई। सप्लाइड द ऑक्यूपेंट्स ऑफ रोम विद एज मच वाटर पर पर्सन एज इज प्रोवाइडेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड टूडे। तो वहां पे कह रहा है क्वेश्चन में कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में ज्यादा यूज हो रहा है हायर, लेकिन क्वेश्चन उस लोकेशन में कह रहा है एज मच वाटर एज प्रोवाइडेड इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड टूडे। तो एंशियंट रोम में उतना ही पानी दिया जाता था जितना आज दे रहे हैं। तो आंसर क्या हो गया? ट्रू तो हुआ नहीं क्योंकि हायर तो है नहीं। अगर वो लोअर बोलता या उसने बोला बराबर है, उसने बराबर बोला, लोअर बोलता तो हमें सीधा पता था कि फॉल्स है। ठीक है, अब उसने बोला बराबर, तो हायर तो है नहीं, अपोजिट जा रही है बात, सो वी राइट इट फॉल्स। ठीक है, सो सेकेंड पे आते हैं, फीडिंग इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, यहाँ पे स्लैश लगा देते हैं, इज पॉसिबल है ड्यू प्राइमरली टू इम्प्रूव्ड इरीगेशन सिस्टम। ड्यू प्राइमरली पे लगाते हैं टू इम्प्रूव्ड इरीगेशन सिस्टम। अब सेंस क्या कह रही है? इम्प्रूव्ड इरीगेशन सिस्टम की वजह से, मेनली इम्प्रूव्ड इरीगेशन सिस्टम की वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि हम फीड कर सकते हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को। तो जो बढ़ रही पॉपुलेशन है उसको फीड करने का सबसे मेन जो कारण है वो है इंप्रूव्ड इरिगेशन सिस्टम। कम टू सेकेंड, फूड प्रोडक्शन हैज कैप्ट पेस। कैप्ट पेस मतलब साथ साथ चल रही है, किसके साथ साथ? विद सोरिंग पॉपुलेशन, मतलब फूड प्रोडक्शन भी साथ के साथ बढ़ती जा रही है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। मेनली वहां पे लिखा था प्राइमरली, mainly because of expansion of artificial irrigation system that makes possible the growth of 40% of the world's food. तो बात वही कही है उसने, उसने कहा improved irrigation system, उसने कहा mainly because of expansion of artificial irrigation system. तो सीधे सीधे हमें दिख रहा है, so answer is true. Third question कहते हैं modern water system, यहाँ पे slash imitate, यहाँ पे slash, ये main word है, those of the ancient Greeks and Romans. तो ये एक साथ रहेगा। कहता है जो मॉडर्न वाटर सिस्टम है वो इमिटेट करता है, इमिटेट मतलब कॉपी करता है
एंशियंट ग्रीक्स एंड रोमन्स को, तो रोमन्स और ग्रीक्स का जो वाटर सिस्टम था उसको कॉपी किया गया है मॉडर्न वाटर सिस्टम ने। थर्ड पे आते हैं, येट देर इज अ डार्क साइड टू दिस पिक्चर। ऊपर वाला पैसेज होगा जो मैंने कॉपी नहीं किया, मैंने बिल्कुल लोकेशन लोकेशन कॉपी करी है, बिकॉज आप लोगों को लोकेशन मिल जाती होती है, बट दिक्कत इसमें आती है कि आंसर लिखें क्या। सो डिस्पाइट आर प्रोग्रेस, हमारी प्रोग्रेस के बावजूद, हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, दुनिया की आधी पॉपुलेशन टिल सफर्स, अभी भी सफर कर रही है विद वाटर सर्विसेज इंफीरियर टू दोज अवेलेबल टू द एंशियंट ग्रीक्स एंड रोमन्स। कहता अभी भी आधी पॉपुलेशन सफर कर रही है क्योंकि हमारी वाटर सर्विसेज इंफीरियर हैं। किसके कंपैरेटिव इंफीरियर है? टू द एंशियंट ग्रीक्स एंड रोमन्स। हम लोग एंशियंट ग्रीक और रोमन जैसी सर्विस भी नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन जो है वो सफर कर रही है। तो यहाँ पे मॉडर्न वाटर सिस्टम को कॉपी करने की बात नहीं दिखी। मॉडर्न वाटर सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम में 50% पॉपुलेशन को पानी नहीं मिल रहा, लेकिन कॉपी करने की बात नहीं है। ठीक है, एंशियंट ग्रीक्स और रोमन्स का जिक्र जरूर है, पर उसने कहा है कि उनकी सर्विसेज हमसे बेहतर थी, हमारे पास 50% पॉपुलेशन अभी भी पानी के बिना रह रही है, उनको पानी की किल्लत आ रही है। सो आंसर इज नॉट गिवन। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यहाँ पे स्लैश इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे स्लैश द ओवरऑल डिमांड फॉर वाटर, तीन हिस्से, ओवरऑल डिमांड पानी के लिए बढ़ रही है, किसकी वजह से? इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से। सो लेट अस सी, यहाँ सिक्स्थ वाले में इसकी लोकेशन है, ऑल द पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी हैव कंटिन्यूड टू सोर, कहता हालांकि पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल आउटपुट और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ रहे हैं लगातार इन डेवलप्ड नेशंस, डेवलप्ड नेशंस में ये तीनों चीजें बढ़ रही है, द रेट एट विच पीपल विदड्रॉ वाटर, कहता लेकिन रेट, स्पीड, जिस स्पीड के साथ लोग पानी निकाल रहे हैं एक्वाफायर्स में से, रिवर्स में से, लेक्स में से, हैव स्लोड डाउन, लेकिन उनकी स्पीड, पानी निकालने की स्पीड कम हो रही है, हालांकि तीन चीजें बढ़ी हैं, पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल आउटपुट, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। तो क्वेश्चन कह रहा था सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से पानी की ओवरऑल डिमांड बढ़ गई है, लेकिन वो तो कह रहा है पानी की डिमांड कम हुई है, और तीन चीजों के बावजूद पानी की डिमांड कम हुई है, तो पानी की डिमांड विदड्रॉ, रेट जो है वो क्या हो गया, स्लो। अगर पानी कम निकाल रहे हैं तो इट मीन्स डिमांड कम हो गई है। सो आंसर इज नो, यहाँ पे कह रहे हैं इंक्रीजिंग, वहां पे कह रहे हैं विदड्रॉ रेट जो है, रेट एट विच पीपल विदड्रॉ वाटर हैज स्लोड, तो बेसिकली डिमांड हैज डिक्रीज्ड। आगे और भी क्लियर कर दिया है, डिमांड हैज एक्चुअली फॉलन, तो डिमांड कम हुई है, अब आप क्वेश्चन में कह रहे हैं डिमांड बढ़ गई है। सो कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज स्लैश हैव लेड टू रिडक्शन स्लैश इन द डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन। ओके, सो यहाँ पे कह रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लेड टू रिडक्शन, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की वजह से रिडक्शन हुई है इन द डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन, घरों में जो हम पानी की कंजम्पशन करते हैं उसमें। कम टू द लोकेशन, सेवन्थ पे, बट सिंस 1980, पर 1980 से द अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड पर पर्सन, पानी जो एक इंसान यूज करता है, हैज एक्चुअली डिक्रीज्ड, ये कम हुआ है थैंक्स टू अ रेंज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प टू कंज्यूम वाटर इन होम्स एंड इंडस्ट्री। सो यहाँ पे हमें दो चीजें दी हैं, क्वेश्चन में हमें एक चीज दी है, ठीक है, तो दोनों में यूज कम हुआ है, इंडस्ट्री में भी कम हुआ है यूज और हाउस में भी। तो क्वेश्चन ये, अगर एक चीज पूछी है तो मेरे पास वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट है, कि घरों में अगर मैं ये वाला छोड़ दूं, बाकी पढ़ूं कि 1980 से अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड पर पर्सन हैज एक्चुअली डिक्रीज थैंक्स टू रेंज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प टू कंजर्व वाटर एट होम, वाटर इन होम्स, सो आंसर वुड बी ट्रू, फिफ्थ का आंसर जाएगा ट्रू, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की वजह से रिडक्शन हुई है डोमेस्टिक वाटर यूज में। कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन, इन द फ्यूचर, कहता फ्यूचर में गवर्नमेंट्स शुड मेंटेन, गवर्नमेंट्स को मेंटेन करना चाहिए ओनरशिप ऑफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की ओनरशिप। तो तीन पार्ट्स थे फ्यूचर, वाटर गवर्नमेंट शुड मेंटेन, क्या मेंटेन करेंगे, ओनरशिप, गवर्नमेंट शुड मेंटेन ओनरशिप इसकी, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की, पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट को रखनी चाहिए फ्यूचर में, मेंटेन करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं लास्ट में, ऑन द अदर हैंड डैम्स, एक्वेडक्ट्स,
एंड अदर काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विल स्टिल हैव टू बी बिल्ड पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर बेसिक ह्यूमन नीड्स हैव नॉट बीन मेट. कहता दूसरी तरफ जो डैम्स हैं, एक्वाडक्ट्स हैं और अदर काइंड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी बनाने की जरूरत है, पर्टिकुलरली स्पेशली किन कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, वेयर जहां पे बेसिक ह्यूमन नीड्स अभी भी मीट नहीं कर पाई हैं. बट सच प्रोडक्ट्स मस्ट बी बिल्ट टू हायर स्पेसिफिकेशन. पर कहते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को हायर स्पेसिफिकेशन के साथ बनाना चाहिए विद मोर अकाउंटेबिलिटी. और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए, टू लोकल पीपल. किनकी तरफ होनी चाहिए ज्यादा अकाउंटेबिलिटी, लोकल लोगों की तरफ एंड देयर एनवायरमेंटल एनवायरमेंट देन इन द पास्ट. अगर वो प्रोजेक्ट बनाते हैं उनको ज्यादा स्पेसिफिकेशन और ज्यादा अकाउंटेबिलिटी शो करनी चाहिए पास्ट के कंपैरिजन. लेकिन कहीं पे भी ओनरशिप लेने की बात नहीं करेगी. वो कह रहे फ्यूचर में हमें बनाने की जरूरत है प्रोजेक्ट को और उन पे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी दिखानी होगी, ज्यादा स्पेसिफिकेशन दिखानी होगी. ये कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी और इन चीजों को मेंटेन करेगी. लेकिन ओनरशिप मेंटेन करने की बात नहीं करी है. उसने कहा है कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अभी भी बनाने की जरूरत है, लेकिन उनकी ओनरशिप मेंटेन करेगी ऐसा बात नहीं है. सो आंसर वुड बी नॉट गिवन. सो दैट्स हाउ यू डू योर ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन. ओके, आई होप आपके ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन बिल्कुल अच्छे से गए होंगे और आपको इनकी अच्छे से बेसिक समझ आया होगा कि हमें ज़रूरत क्या है. हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनकी सेंस समझने की. सिर्फ कीवर्ड्स से हमें लोकेशन मिलेगी बट उसकी सेंस हमें ट्रांसलेशन और अंडरस्टैंडिंग से आएगी. सो आई होप इट विल बी हेल्पिंग यू. और आप में से किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए देन प्लीज़ ईमेल मी, और ईमेल है डिस्क्रिप्शन में. और उसके साथ ही सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज हिट द बेल आइकन टू गेट द मोर अपडेट्स. थैंक यू सो मच.